हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम आईब्रो बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे थ्रेड का यूज़ करने वाले हैं आईब्रो बनाने के लिए। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके हेयर का ग्रोथ है, वो बड़ा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले उसको अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद आईब्रो के शेप में सीजर की मदद से हम कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टॉप का शेप देंगे और बाद में बॉटम का शेप देंगे। तो यहाँ पे हम आर्च शेप कर रहे हैं, उनके फेस के अकॉर्डिंग आपको शेप देना है। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा हेयर है आईब्रो के बाहर के, वो सारे को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड्स, घर की साफ सफाई के बाद खुद की साफ सफाई करना भी बहुत जरूरी है। और कुछ करवाए ना करवाए, लेकिन आईब्रो बनाना तो बहुत ही जरूरी है। आपके फेस को कुछ अलग ही निखार के देता है। आपके आईब्रो बनाने के बाद आपका फेस जो है वो कुछ अलग ही दिखता है। तो देखिए, आईब्रो आपने भी बनवाई है या नहीं, कमेंट में जरूर से बताइएगा। और नहीं बनवाई है तो अपने नज़दीक के पार्लर में जाके जरूर से आईब्रो करवाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले वो टॉप का शेप हमने दे दिया है, तो अभी बॉटम का शेप देंगे। तो यहाँ पे भी हम दो तीन हेयर को इस तरह से रिमूव करेंगे। दो तीन से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको एक लाइन बनानी है और लाइन में आपका जो भी जितना भी हेयर है आईब्रो की शेप के बाहर का, उसको आपकी जो धागे की कैची है उसमें आपको फंसाना है और फिर ऑपोजिट साइड में खींच के रिमूव करना है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ी सी मोटी आईब्रो बनाई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है इस तरह की आईब्रो। जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा हेयर है वो सारे इसमें क्लीन करना है, ताकि नीट एंड क्लीन आपका लुक और परफेक्ट आपकी यहाँ पे आईब्रो बन के दिखे। तो देखिए, यहाँ पे जो छोटे छोटे हेयर है आईब्रो के शेप के बाहर के, वो सारे को अच्छे से क्लीन करेंगे। और यहाँ पे कॉर्नर में आपको हेयर को रिमूव करते वक्त बहुत ही ध्यान देना है कि आपका जो एक्स्ट्रा आईब्रो के शेप के अंदर का हेयर है, आईब्रो के अंदर का हेयर है, वो इसमें फंस के निकल ना जाए। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमारी आईब्रो बन के तैयार है। ये बीच का अगला बेला थ्रेडिंग कर देंगे, वो भी शेप में आपको ध्यान रखना है कि कहीं से ज़्यादा बाल ना निकल जाए, आपके हेयर ना रिमूव हो जाए ज़्यादा। इस तरह से सारे हेयर को रिमूव करना है शेप देते हुए। देखिए, थोड़ा से हेयर आगे एक साइड के झुके हुए होते हैं, तो उसको कट करके शेप में देंगे। इस तरह से आप धागे से भी मेजर कर सकते हैं आपके आईब्रो का हेयर को, आपको लगे वहाँ से आप कट कर सकते हैं शेप के बाहर के हेयर को। देखिए, तो इस तरह से करके अच्छे से शेप दे दीजिएगा। और देखिए, एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर है तो इन्हें पसंद नहीं है, तो ये यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं हम इसको भी। देखिए, बहुत ही कर्ली हेयर है इनके आईब्रो में भी, तो उसको भी हम इस तरह से रिमूव कर देंगे, यानी कि कट कर लेंगे, तो अच्छे से शेप यहाँ पर हमारा दिखे। देखिए कितनी घनी आईब्रो है, कितनी अच्छी है यहाँ पे दिख रही है। आईब्रो बनने के बाद आपका फेस कुछ अलग ही लगता है आईब्रो बनने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लुक आया है यहाँ पे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।